है मैम रुबियाना मैम, हमारे बहुत करीब के हैं और एमसीए में हम लोग साथ में काम करते हैं। तो इनफैक्ट मेरा ज़्यादा तबीयत ठीक भी नहीं है तो भी मुझे आना पड़ा क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है। सर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को, क्या शुभकामनाएं देंगे ईद के मौके? नहीं, लोगों को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अमीन शेख जो हमारे शाखा प्रमुख है उनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे लीडर एकनाथ शिंदे जी तक ये बात जाएगी। मैं ये कार्यक्रम के बारे में उनको बताऊँगा, हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को भी इसके बारे में बताऊँगा। और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे बांद्रा वेस्ट विधानसभा में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम अमीन शेख जी और उनके मंडल ने किया है, उनका धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम यहाँ पे सामान्य नागरिक की सेवा के लिए जुड़े हैं और ऐसे कार्यक्रम से हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, आज उनकी सरकार है, उनकी सरकार में हम उनके कार्यकर्ता होके इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे, ये हमारा योगदान है और ये हमारी तरफ से उनके लिए रिस्पेक्ट है। धन्यवाद, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा प्रोग्राम किया और ये एक स्टेज पे सभी कम्युनिटी जो है एक स्टेज पे है इस टाइम पे, और हमारे जो युवा के कंदारी जी और अमीन जी शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख राहुल बंटी भाई, प्यार से बंटी भाई, कुणाल सरमलकर और सभी लोग, रेखा पवार जी और थैंक्स आपको दक्षता मैम, ये सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और ये सारा शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर सीएम साहब शिंदे साहब उन्हीं के देखरेख में ऐसे ऐसा प्रोग्राम करवाया जा रहा है। थैंक यू। सच कहूँ तो ये उत्सव ऐसा है जो हर यूथ में एक नया जोश लाता है, और सिर्फ यूथ ही नहीं तो हमारे जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ कहीं कोने में खड़े रह के इस जन्माष्टमी का जो हमारा त्यौहार होता है उसका आनंद लेते हैं। ये हमारी भारत एक ऐसी के देश के लिए और अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। आखिरी सवाल मैडम, इस मंडल के कार्यकर्ताओं के बारे में जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोला, आपके क्वेश्चन को आंसर दिया था कि इस मंडल का हर एक कार्यकर्ता बदलाव लाना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, साथ मिलके अपने देश की संस्कृति परंपरा को साथ लेके खुद को भी आगे करना चाहता है, और हम जब खुद आगे होंगे तो समाज देश आगे बढ़ेगा, यही इनकी खासियत है। देखिए, एक तो पहले आज का दिन ही इतना अच्छा है और बड़ा है, और यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने आकर और इस चीज़ को विटनेस करना, ये खुद में ही एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अच्छा मोमेंट है। एंड हम लोग हर साल आई थिंक सेलिब्रेट करते ही है दही हांडी, एंड इतना अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर सबके बीच में एक्चुअली लाइव दही हांडी, वो छोटी सी दही हांडी घर के या सोसाइटी में एक बोलने की बात अलग होती है, बट जब इस लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो भी इतने बढ़िया तरीके से जहाँ पे किसी को चोट भी नहीं लगे, एंड एक्चुअली जो उसका जज्बा है वो बाहर निकल के आए, और बहुत मज़ा आया। देखा जाए तो पूरे मुंबई भर में आज दहेली के दिवस पे पूरी बारिश थी, बट फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ, तो एनर्जी का क्या कहना चाहिए? वो तो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ बॉम्बे, वो तो कभी नेवर से डाय वाला है। वो तो मुझे पता ही था सुबह बारिश हो रही थी, पर मम्मा ने कहा कि आज इतनी बारिश हो रही है जाएंगे क्या? मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि दही हांडी ना हो, और बारिश में दही हांडी का होना भी एक अपने में बहुत अच्छा एक महत्व है, बिकॉज जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब जब उनको ले जाया जा रहा था तब सबसे ज़्यादा बारिश ही हो रही थी, तो एवरी जन्माष्टमी हम इस चीज़ को विटनेस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, तो बारिश तो आई थिंक एक अच्छा शगुन है जो जन्माष्टमी में होता ही है। आपका बसारा केयर फाउंडेशन जी है, ऐसे लोगों की मदद की जी, हमारा भी हमने बहुत स्लम्स में बहुत सारे लोगों की मदद की है, बेसिकली बच्चों के लिए, स्लम्स के बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लोगों के लिए हम मैक्सिमम काम करते हैं। एंड अभी हम जैसे हम लंगर सर्विस देते हैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में, उसके अलावा बॉम्बे में भी वी वांट टू स्टार्ट द सेम स्लम सर्विस। काफ़ी लोग हमसे अब धीरे धीरे करके जुड़ गए हैं, प्लस हमने एक स्लम कार्निवल किया था जहाँ पर एक बहुत अच्छा
यू नो टैलेंट कॉम्पिटिशन हुआ था बच्चों के बीच में. सो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे जो संघ में या जिनको अपॉर्चुनिटी की कमी है उनको वो एक स्टेज दिया जाए, एक मंच दिया जाए हमारे फाउंडेशन के थ्रू जिसपे वो एटलीस्ट अपना टैलेंट शोकेस कर सके. जी हाँ भैया, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एंड हम्बल्ड कि मैं आप सबके साथ हूँ और यहाँ पर हमने इतना अच्छा, इतनी अच्छी एनर्जी विटनेस कर रहे हैं. सो अब तो बस फेस्टिवल शुरू ही होने वाले, गणेश चतुर्थी भी आने वाला है, तो बस त्यौहार लगे रहेंगे. आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें और बस मेरी यही मनोकामना है.